प्यारा दर्शकों, मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में इनको मैं आज पहली बार एक ट्रैक्टर सीखना चाहते हैं। इनको भी कुछ जानकारी ट्रैक्टर के बारे में नहीं है। ये ट्रैक्टर के बारे में इनको बताऊंगा, ट्रैक्टर किस तरह चलाया जा सकता है, ट्रैक्टर का गियर, ट्रैक्टर का क्लच बार, इनको सभी ट्रैक्टर के सभी पार्ट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, ट्रैक्टर आप कभी चलाए हो? नहीं, कभी नहीं ट्रैक्टर चलाया। ट्रैक्टर के कुछ बार जानकारी कुछ ट्रैक्टर के बारे में आपको? कुछ भी अभी जानकारी तो नहीं है। गियर वेयर का थोड़ा है, गियर बॉक्स होता है, गियर ECDC आपके वीडियो में जो देखा था मैंने, वही थोड़ा थ्रेसर का और ट्रॉली का थोड़ा समझा था बस। ये देखिए दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बॉम्बे में रहते हैं, पहली बार गांव पे आए, गांव पे आने के लिए ट्रैक्टर सीखने के लिए आए हैं कि ट्रैक्टर, कहते हैं कि ट्रैक्टर सीखना चाहता हूँ, तो इनके ट्रैक्टर के पार्ट के बारे में बताऊँगा। देखिए देखिए ट्रैक्टर के किन पार्ट के बारे में जानकारी है कि नहीं है? अभी तक तो कुछ वैसा खास आइडिया नहीं है। खास आइडिया नहीं है? नहीं। क्लच ब्रेक कुछ है पता आपको? क्लच साइड से ये है, क्लच ये है, ब्रेक ये साइड है, ब्रेक ये साइड, ब्रेक ये साइड है। ब्रेक में क्या अंतर है नहीं पता? नहीं ये नहीं पता। देखिए ब्रेक में दो ऑप्शन इसमें होता है, इसमें आप एक ब्रेक दबा सकते हो, दोनों साथ में भी दबा सकते हो। हाँ। क्या होता है कंडीशन क्या होता है? हाँ। अगर आप खेत की जुताई करते हो हाँ। तो दोनों ब्रेक को जोड़ के रखना होता है। देखिए इसमें ऑप्शन होता है, ये देखिए, ये देखिए, आप दोनों ब्रेक को जोड़ दोगे तो हाँ। एक साथ दोनों ब्रेक लगेगी। अच्छा, तो एक साथ दोनों ब्रेक, रोड पे अगर आप चल रहे हो हाँ। तो दोनों ब्रेक को जोड़ के चलना होता है हाँ। खेत की जुताई करते हो, एक जगह पे मोड़ना होता तो एक ब्रेक को दबाना होता है। ये देखिए एक ब्रेक खोल दिया, देखो एक ब्रेक दबाऊंगा तो मोड़ने के समय दाहिने साइड का ब्रेक दबाऊंगा तो दाहिने साइड में ट्रैक्टर पर आसानी से मुड़ेगा, बाएं साइड का दबाऊंगा तो बाएं साइड में आसानी से मुड़ेगा। ये हो गया ब्रेक। ब्रेक के साथ में गियर के बारे में जानकारी है कुछ? नहीं, गियर का भी कुछ आइडिया नहीं। देखिए मेन गियर तो सभी गाड़ी में पाया जाता है, ये लो हाई होता है ट्रैक्टर में पाया जाता है। इसमें देखिए कछुआ खरगोश है, जो कछुआ है, कछुआ कर दोगे गाड़ी की चाल कम हो जाएगी, जिसे कहते हैं लो हाँ। और नीचे कर दोगे हाई खरगोश हाँ, हाँ। लेकिन क्या होता है, कछुआ कछुआ होता है कि धीमी तो चलेगा हाँ। लेकिन अब उसमें मजबूती अपना दम होता है, मंजिल हासिल करके तभी रुकेगा। और खरगोश हाँ। तेज चलेगा लेकिन उसमें दम नहीं होता है। अच्छा। अगर कोई दम रोटावेटर ट्राली में लोड इत्यादि लेकर चलना होता है हाँ। तो आपको कछुआ में करना होता है। अच्छा। खरगोश में रोड पे चलने के लिए खरगोश हाई में करके चलना होता है। अच्छा। ये होगा गियर का पोजीशन हाँ। अब आपको गाड़ी की स्टार्ट करने के लिए गाड़ी का न्यूट्रल होना बहुत जरूरी होता है। ये देखिए गाड़ी न्यूट्रल होगा तभी आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, चाबी लगी हुई है हाँ। अब गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में क्या जरूरी होता है, क्लच को बहुत सावधानी से छोड़ना होता है हाँ। क्लच को छोड़ने के लिए बहुत सावधानी रखना जरूरी होता है हाँ। आसानी से क्लच को छोड़ना चाहिए हाँ। ये होगा ट्रैक्टर, अगर आप सीख रहे हो हाँ। तो इस तरह आपका ट्रैक्टर चलाते हो। ये होगा एक्सीलेटर, आपको कितने RPM पे ट्रैक्टर चलाना होता है हाँ। इस तरह आप सेट कर देते हो। इसमें भी दो ऑप्शन होता है, ये हाथ का होगा हाँ। अगर थ्रेसर रोटावेटर क्या चलाते हो तो फिक्स एक्सीलेटर का प्रयोग किया जाता है हाँ। और पैर का एक्सीलेटर, अगर रोड पे चलोगे तो पैर का एक्सीलेटर प्रयोग होता है बार बार जी। ठीक हाँ। ये हो गया। अब कुछ इसके बारे में अगर कुछ कमी रहेगी आप पूछ सकते हो। तो जैसे मुझे अगर रोड पे चलाना है, तेज चलाना है, तो मुझे खरगोश वाले गियर इस पे हाँ, खरगोश वाले गियर पे चलाना है। और इसमें पोजीशन तो आपको पता होगा, एक नंबर नीचे लगेगा, बीच हाँ, में दो नंबर हाँ, ऊपर तीन नंबर, नीचे चार नंबर, और ऊपर जाएगा रिवर्स लग जाएगा, ये आ रहा है। अच्छा, और जैसे अगर कोई गड्ढा वड्ढा आ गया तो उसमें तो आपको रोकने के लिए हाँ, क्लच ब्रेक को एक साथ दबाना होगा, एक साथ दबाना है, और क्लच ब्रेक को एक साथ दबा के गियर को आप न्यूट्रल से, आप बाइक चला रहे हो तो जानते हो इसे कम करते हो हाँ, चार हाँ, नंबर में चला रहे हो तो दो नंबर एक नंबर करते हो, उसी तरह इसमें भी गियर को कम करना होता है। तो इसको भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा? नहीं, लो हाई कुछ नहीं करना, लो हाई आपको हाई में ही गियर लगेगा, हाई में खाली मेन गियर को आपको पूरी करना होता है बस। अच्छा, और इसका हाई स्पीड कितना है? हाई स्पीड ये देखिए 24 दिए हो, लेकिन 30-32 तक के भागता है गाड़ी। अच्छा, रोड पे? रोड पे। और अगर कुछ लगे जैसे बहुत ट्रॉली में भरे हैं ज्यादा वेट का, तब कितना जैसे रोड पे भागेगा? तो उसके हिसाब से चलेगा। अगर रोड सही नहीं है हाँ, तो आपको तीन नंबर दो नंबर में चलना होता है। अगर हाँ, रोड अच्छी रोड है तो उसमें हाँ, चार नंबर लगा सकते हो, हाई चार नंबर हाई लगा सकते हो, तब भी 25-30 तक जाएगा? नहीं, उसमें तो कम हो जाएगा, आपको लोड पे गाड़ी चलेगी तो स्पीड कम हो जाएगी गाड़ी। माने सिर्फ ट्रैक्टर अगर चलाऊं तो 30 तक जाएगा? खाली ट्रैक्टर रहेगा, ट्रैक्टर। अगर रोड पे चलेगा तो स्पीड कम हो जाएगा। जिस तरह आप अगर खाली
चल रहे हो तो कितनी स्पीड में चलोगे, कोई सामान वजन लेकर उसी तरह ट्रैक्टर पे अगर लोड पे ट्रैक्टर चलेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। तो ये सीसी पे डिपेंड करता है, जैसे ये कितना सीसी का है? 3635 सीसी का ट्रैक्टर है। 3635 अच्छा, चलिए अच्छा है, अभी जानकारी आपने बताया। ये इंडिकेटर है? ये इंडिकेटर है, अगर घुमाना हो आपको गाड़ी को एक बैग इस साइड उस साइड का इंडिकेटर जला के रोड पे, ये इंडिकेटर हो गया। अच्छा, ये स्विच हो गया लाइट का, ये मीटर हो गया। मीटर के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है, पहली बार ट्रैक्टर चलाना सीख रहे हो। देखिए मीटर, ये हो गया डीजल मीटर, ये होगा टेम्परेचर मीटर, ये हो गया बैटरी चार्जिंग, ये हो गया एक्सीलेटर। अब आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो, अगर जानकारी अधूरी रही तो दूसरे वीडियो में आप पूरी जानकारी ले सकते हो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।